अगर सब कुछ बता दिया तो लोग आबरू को गलत समझेंगे। इससे बेहतर तो यही है कि मुझे ही गलत समझ लें। ये ना हो कि मेरे चक्कर में आपकी टीम ही कैंसिल हो जाए। कौन सी रील कैंसिल होने की बात हो रही है? सरप्राइज। हाँ तुम अब तो मीर की हरकतों के जिम्मेदार मुझे और मेरी तरबियत को ठहराओगे? हाँ, अगर मीर ऐसा है तो उसमें सारा कसूर तुम्हारा और तुम्हारी तरबियत का है। इसे कहो अपना सामान उठाए और अपने कमरे में वापस जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम क्या मेन्यू देख रहे हो? आप दो मंचूरियन ले आए और दो फ्रेश लाइन। वाह, तुम्हें याद है हमारा कॉम्बिनेशन? इंप्रेसिव। मुझे सब कुछ याद है। जी जी बस। नहीं एक मिनट, आबरू तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? ओ आबरू, आई एम सो सॉरी, मैं तो तुम्हें भूल ही गई। आई एम सो सॉरी। नहीं इट्स ओके। साइम मेरे लिए आप बीफ चिली ड्राई कर लो। श्योर, वन बीफ चिली ड्राई। थैंक्स। सो महा, तुमने बताया नहीं कि तुम कब तक हो यहाँ पे? 15 days। बस क्यों, तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? हाँ जाहिर है, ट्राई कर सकती हूँ लेकिन नो प्रॉमिसेस। मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है, कब करूंगी? कल चलेंगे। मैं लड़कियों की शॉपिंग में मैं क्या करूंगा, तुम मामू के साथ चलो। क्यों, पहले नहीं तुम पूरे कराची में मेरे शॉपिंग बैग्स लेके घूमा करते थे? अब तुम्हें नखरे हो रहे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, और वैसे भी मुझे शॉपिंग करते हुए तुम्हारा ओपिनियन लेने की बहुत आदत है। अच्छा भाई चलूंगा साथ। आबू वैसे बाय द वे तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, आई वोंट माइंड। क्या ये खाना बहुत लेट हो गया? मुझे इतनी भूख लग रही है और यहाँ का खाना इतना अच्छा होता है, ट्रस्ट मी। तुम्हें पता नहीं है कि आबू भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो तुमने अभी तक लड़कियों को फ्लैटर करना छोड़ा नहीं? क्या मतलब, ये फ्लैटर करते थे लड़कियों को? हाँ मुझे हर वक्त, और डोंट वरी इसकी आदत है लड़कियों की झूठी झूठी तारीफें करने की। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ उसकी तारीफ करता हूँ जो डिजर्विंग होता है। अच्छा, do you say so? खाना खाना खाना। वेरी हंग्री। हाय। हाय मीर, वैसे मैं तुमसे नाराज हूँ। अब इसने क्या कर दिया? इसने क्या कहा था, ये हमें ज्वाइन करेगा, लेकिन एज यूजुअल इसने हमें ज्वाइन नहीं किया। मीटिंग खत्म होती तो तभी मैंने आना था ना, मुझे पता था तुम कंप्लेंट करोगी। डू यू नो व्हाट, आई हैव टू गो टू अनदर डिनर राइट नाउ। नॉट राइट, तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। मीटिंग पे से आ रहा हूँ, डिनर पे जाना है, तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? बाय, टेक केयर। बाय। तुम कहो क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। अरे आबरू क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। मैं बताता हूँ आबरू क्या सोच रही है। आबरू यही सोच रही है कि महा कितना बोलती है यार। क्या? हेलो कुछ भी मत बोलो। आबरू तुम ये सोच रही हो ज्यादा बोलती हूँ? नहीं, ज्यादा झूठ मत बोलो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही। हालांकि कितना झूठा है, इसकी तो आदत ही कभी खत्म नहीं होती झूठ बोलने की। यस मैं झूठा? यस। ओके यार तुम लोग गपशप करो, मैं जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया रेस्ट करो। एक्सक्यूज मी, तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, कोई नहीं थके तुम? अभी तुम्हें मैंने बहुत सारी बातें बतानी है, अभी हम बातें करेंगे। अरे आबरू मैं तो कहती हूँ तुम जाके आराम करो, ये दोनों तो पागलों की तरह सारी रात हंसते रहेंगे और पुराने किस्से याद करेंगे। एग्जैक्टली।
मुझे भी माफ करें आप, मैं जा रहा हूँ। जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हम दोनों चल रहे और बाहर चल के बैठ के बातें करें। ओके आप रू, ओके साला, बाय बाय। यार प्लीज क्या सुनो, डिनर तो बताते जाओ क्या करोगे। ओहो आप जाओ बेटा, तुम आराम करो। हाँ जी। कहाँ थी तुम यार, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था मैं। कितना टाइम लगाती हो तुम बाथरूम में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम बीवी हो ना मेरी, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा। अपने ड्रामे बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ यहाँ क्यों आए। बड़ी जबान चल रही है आज तुम्हारी। उस वक्त तुम्हारी अकड़ कहाँ थी जब तुम खुद बेवकूफों की तरह मेरे पास कॉलेज में पीछे पीछे आती थी। एक बार जो गलती करती उसे दोबारा नहीं करो। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सफाई वफाई करती हो कमरे की? देखो यार सफाई तो ठीक से किया करो, तो तुम बाथरूम भी इस्तेमाल करती हो तो बाथरूम की भी ठीक से सफाई करना, समझे। एक काम करो, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, बड़ा दिल कर रहा है कॉफी पीने का। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम इस घर में क्यों हो? तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया, अब तुम मेरी बीवी होने के नाते इस घर में इस कमरे में रह रही हो। सोचो सोचो, अगर मैं तुम्हारे बीवी होने के सारे हक तुमसे छीन लूं तो फिर क्या होगा? इसलिए एक अच्छी और नेक बीवी की तरह जो मैं तुमसे कह रहा हूं चुपचाप करती रहा हूं। करोगी? बोलो करोगी? चलो जाओ कॉफी लेकर। और हाँ वापस आकर ना मेरे पैर भी जरा दबा देना। वैसे तो तुम जब से आई हो मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पैर बड़े अच्छे दबाती होगी। चलो जाओ। ऐसे ही यार इस कमरे से जा रहा था, मुफ्त की नौकरानी मिल गई।
मुझे फोन आ रहा है, मैं उठाऊंगी मैं उठाऊंगी मैं उठाऊंगी। हेलो महा, आबरू अब हैरान मत हो कि मैंने साइम का कॉल उठाया है। क्या है ना, जब साइम मेरे साथ होता है तो साइम के साथ साथ उसका फोन भी मेरे ही कंट्रोल में होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वैसे अगर तुम साइम का इंतजार कर रही हो ना तो मत करो, क्योंकि मैं अभी साइम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम सो जाओ सो जाओ, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो फिर तुम एक काम करो, हमें ज्वाइन कर लो, आ जाओ। नहीं आ रही हूँ मैं। आ रही है? कैसे घंटों घंटों हम यहाँ पे बैठ के बातें क्या करते थे ना, तुम्हें याद है? याद है मुझे बिल्कुल, कैसे भूल सकता है ना। पर मेरे मगर तो तुम्हारा एक पल नहीं गुजरता था, कैसे रहते थे तुम? है भाई, तुम खुद घसीट के लेकर आती थी मुझे यहाँ पर बातें करने के लिए। सुन लो, कितने झूठे हो तुम, मैं घसीट के लेके आती थी तुम्हें तो। बस अगर कमी है तो एक कॉफी की कमी है, हमें बस कॉफी नहीं है। मैं बना लाती हूँ कॉफी। हाँ प्लीज, थैंक यू। अरे तुम मत जाओ, तुम जाओ ना, तुम जब भी आती हो सबसे खिदमतें करवाती हो अपनी। क्या मतलब, क्या झूठा झूठा तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, कौन सी खिदमतें कराई है मैंने किसी से? झूठा सैन, मैं बना देती हूँ कॉफी। थैंक यू आबरू। चली गई ना, बस अब मेरी भी बात सुन लो। जलन हो रही है ना बहुत, तुम्हें ये हिस्सा है, मुझे पता नहीं था। क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग पर ठीक है? हाथ छोड़ो मेरे। देखो ना, अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है, जलन हो रही है ना? कैसी जलन, कुछ नहीं हो रहा मुझे, हाथ छोड़ो मेरे। तुम्हें शायद कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे देख के मुझे कितना मजा आ रहा है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो फिर लो मजा, सुकून बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, मुझे तो तकलीफ में देके तुम्हें सुकून ही मिला है हमेशा। लो एक और वजह मिल गई तुम्हें सुकून हासिल करने की। जब भी तुम्हें कोई दर्द दिया है हमेशा उससे गहरा जख्म मुझे लगा है। जलन हो रही है ना बहुत, तुम्हें यह हिस्सा मुझे पता नहीं था, तुम्हें शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ऐसे देख के मुझे कितना मजा आ रहा है इसे मैं ही जानता हूं। आबरू, मैं तो समझ रहा था सो गई होगी। आप आए नहीं थे, मैं कैसे सो जाती? यार मैं बार बार उठने की कर रहा था लेकिन वो हाथ पकड़ कर बिठा रही थी। तुम्हें तो पता है कितना बोलती है वो, अभी भी जबरदस्ती उठकर आया हूं मैं। दो बज गए, Thank you.
सा मुझसे? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चूड़ियां उतारी थी तो वो टूट कर लग गई। दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या हुआ। अरे इतनी बड़ी चोट नहीं है। तुमने बैंडेज नहीं की? इतनी हर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? मैं बैंडेज करता हूँ, रुको। तो साइम, इतना गहरा जख्म नहीं है साइम। अरे कमाल करती हो तुम, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। खुद कैसे ठीक हो जाओगी? मैं करता हूं ना तुम्हें बैंडेज, मैं देख रहा हूं। तुम भी ना कसम से क्या करती हो ये? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ जिस तरह से अभी ख्याल रख रहे हो, आगे रखोगे भी या नहीं? तुम्हें शक है मुझ पर? मुझे मालूम है आप ऐसी नौबत कभी आने ही नहीं देंगे, और अगर आ गई तो मुझे खो देंगे आप। बहुत ही अफसोस की बात है अब कि तुमने मुझे ऐसा समझ लिया। मुझे हमारी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। इसे टूटने मत देना। नहीं टूटने दूंगा। अभी ये देख लो, हो गया, एक दो दिन में सही हो जाएगा। थोड़ा सा खा लेते। नहीं चला जाओ। पर हाय मॉम, मैं ऑफिस जा रहा था। नाश्ता किए बगैर? हाँ सोच रहा था ऑफिस आकर कर लो। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ अब्रू? मेरी चूड़ी टूट कर लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम मीर। सलाम आंटी। भाई कहाँ रहते हो आजकल तुम? इस घर में तो हो? जी अभी तक तो। कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो, हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया करो। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, वापस आके मिलते हैं। मीर ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस वो हल्की सी चोट लग गई थी। बड़े इत्तेफाक की बात है, आबरू के हाथ पर भी चोट लगी और तुम्हारे भी। भाई तुम दोनों ख्याल रखा करो, ये नुकसान कभी बड़ा भी हो सकता है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मॉम मैं भी चलता हूँ। हैव अ गुड डे। दाफिस। दाफिस। अपना ख्याल रखना। आपको चाय सर्व करवाऊं? अब जरूरत नहीं है।
मैं आपके लिए नाश्ता बना देता, पर मैं क्या करूं, मुझे हुक्म नहीं है। मैं समझ सकती हूं। आप अपने लिए रोज खाना बनाती हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, पर मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे अपने काम करने की आदत है। मुझे ब्रेड मिल सकती है? जी, इसमें इसमें है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इनके नाश्ता बनाने का इंतजार कर रहा हूँ। जब ये फारिग हो जाएं तब आना यहाँ। निकलो। ये सारे काउंटर साफ करके जाना, समझ आई? जी। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए बना लूं? आबरू मुझे माफ कर दो। आबरू, जो गलतियां मैंने की हैं उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। उस शख्स के साथ कमरे में मैं कैद काट रही हूँ। आबरू, प्लीज मुझे माफ कर, मेरी सजा आसान कर। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, उनकी सजा ऐसे ही अकेले सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। जैसे कीट पे रहम करके उसे खैरात देते हैं, वैसे मुझ पे रहम करके ये माफी खैरात कर। जरूर करती तुम पे रहम, पर तुमने मेरे बाप पे रहम खाया था। रहम करके उसे खैरात देते हैं, पैसे मुझ पर रहम करके माफी खैरात कर। हेलो। हेलो आबरू, कहाँ हो तुम? अपने कमरे में हूँ, बोलो। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल रह गई है घर में, मेरी साइड टेबल पर ही रखी हुई होगी, अगर तुम उसको ड्राइवर के हाथ भिजवा दो तो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, लाती हूँ। थैंक्स। नजीर, जाके रात के खाने का इंतजाम करो। जमाल और गजनफर सुबह वॉक पे भी नहीं गए। हाँ, और रात को स्टडी में कॉफी के लिए भी एक साथ नहीं बैठे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हें कुछ पता है? ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी छठी हिस कह रही है कि ये सब कुछ मीर की वजह से हो रहा है। मीर की वजह से? सायरा, तुम इतनी अनजान कैसे बन सकती हो? एंड टॉप ऑफ दैट, तुम डिनाइल में चली जाती हो।
पाओ। हम सब लिहाज में कोई बात नहीं कर रहे ताकि सबको प्रॉब्लम ना हो, हाँ? और बार बार मीर वही हरकतें कर रहा है सायरा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये दोनों भाई एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे और वो आजकल कितने खिंचे खिंचे रह रहे हैं। ये सारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी सायरा, उसकी बचकाना हरकतें इस फैमिली को तबाह कर देंगी। स्लो पॉइजन बन रहा है वो हमारे लिए। मीर का वो मकसद नहीं है जो सब समझ रहे हैं। तो क्या मकसद है सारा, हाँ? आज मैं सीरियसली ये बात तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या मकसद हो सकता है उसका? वाओ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इस बात का। आई लव मीर टू, बहुत प्यार करती हूं मैं उस बच्चे से, लेकिन अब बस बहुत होगी। हम लोग अपने आप को मजीद धोखे में नहीं रख सकते सारा, बट ऐसे नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। बाय द वे, थैंक्स फॉर टी। तुम्हें पता है ये वाली जो लाइन होती है, ये होती है लाइफ लाइन, और जो आगे स्प्लिट है ना, इसका मतलब होता है कि बंदा कहीं बाहर सेटल हो जाएगा। और ये आता है मुझे अच्छे से हाथ देखना, ठीक है? तुम ये मत सोचो मुझे आता नहीं है, बताती हूँ। आबरू, मैंने सोचा फाइल में खुद ले आती हूँ, साथ लंच भी कर लेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने, अगर कोई फाइल रह गई थी तो तुम मुझे बता देते, मैं भी तो यहीं आ रही थी, लेती भी आती। मुझे क्या पता था तुम आज फिर यहाँ दमकोगी? तुम्हें पता है ना, घर में तुम्हारे बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता, तो मैं क्या करती फिर? आपने कभी वहां दिल लगाने की कोशिश ही नहीं की? जहां साइन नहीं होता ना, वहां दिल लगाने की मैं कोशिश भी नहीं करती। यार कितना बकबक करती हो वैसे तो, लंदन में सही थी वैसे। यार राइट, अच्छा क्या एनीवेज, मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ हम लंच पे कहाँ जा रहे हैं? मेरे बाबा के घर। आपने कल कहा था ना कि बाबा से मिलना है और हम जा नहीं सके थे, तो मैंने सोचा आज ही बाबा के साथ लंच कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। थैंक यू सो मच, मैं घर चली जाऊंगी। तुम चलो ना हमारे साथ, घर ड्रॉप कर देंगे तुम्हें। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं चल जाऊंगी। ओके ओके, फिर तो घर में मुलाकात होगी। See you. हाँ, वो फाइल पिक कर लो मेरी टेबल पे से। चले दोस्त आए मिलने के लिए। जाओ उनसे जाके कहो मैं आ रहा हूं। रुको, तुम जाकर कहो मैं आ रहा हूं, और बिठाओ आराम से उनको ड्राइंग रूम। मैं? हाँ तुम, इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? रुको,
तुम्हें जाने को किसने कहा है? खड़े रहो इधर आराम से। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, जाओ और जाकर मेरे दोस्त को ड्राइंग रूम में बिठाओ। जाओ। आया, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? चुपचाप करो जो मैंने तुमसे कहा है, वरना तो तुम्हें पता ही है। क्या शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ यहां से। मैं फोन आई थिंक ऑफिस में भूल आई हूँ, मैं भी लेकर आती हूँ। चल तुम ले आओ, मैं गाड़ी में वेट कर। ओके। जो काम करने आई थी वो हुआ नहीं? हो जाएगा। खैर मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? घर। Let's have lunch together. नहीं मीर, मुझे देर हो गई, मैं चलती हूँ। देख लो, you know it very well कि मैं किसी को भी ऑफर ऐसे नहीं करता। मुझे तुम्हारी ऑफर में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है मीर। जिसकी ऑफर में तुम इंटरेस्टेड हो ना, उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो जाएगा, सबर करो। और वैसे भी तुम्हारी सपोर्ट तो है ना मेरे साथ। I know you won't let me down. क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो सोच रही थी, कुछ लोग अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ। क्यों होते हैं ऐसे लोग? किनके बारे में बात कर रही? मैं तो ये जानता हूं कि मैं जैसा अंदर से हूं वैसा बाहर से हूं, और तुम भी। मुझे मुनाफ़क़त से सख्त नफरत है। आज पापा के सामने भी तुम बिल्कुल खामोशी बैठी हुई थी। आपको जो गौर से सुन रही थी। मैं ऐसा क्या कह रहा था जो आप मुझे बैठी खामोशी से सुन रही थी? पता नहीं, बस आपको सुन रही थी, मुझे अच्छा लगता है आपको सुनना। हाँ, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? आपका चेहरा जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं, किसी और ही दुनिया में होते हैं। और जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं, तो जब एक मिनट का इशारा करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। हम जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं या किसी मॉल में, आप जब औरतों के लिए दरवाजा खोलते हैं तब भी। और हाँ, तो छोटी छोटी बातों पर बेशक आपकी गलती ना भी हो, आप आई एम सॉरी कहते हैं।
सब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतने गौर से देखो। फिर से ऑफिस जाना दिल तो नहीं चाह रहा। क्या करूं? जाऊं कि ना जाऊं? जल्दी से ऑफिस जाओ और अपने काम खत्म करो। काम तो रोज ही होता है। चला जाता हूं। एक काम करते रात में मैं तुम्हें डिनर पर ले जाता हूं ताकि अपने बारे में मुझे छोटी छोटी बातें जान। तो तैयार है ना? ठीक 8 बजे। ओके अब जाओ भी करना, मैं तो तुम्हें यही ऐसे बैठ कर देखता रहूंगा। आपकी इन छोटी छोटी बातों और आदतों के अलावा मुझे आप बहुत पसंद है। अब मजीद कुछ और मत कहिएगा, नहीं तो मैं ये कहे बगैर रुक नहीं पाऊंगी कि आपसे मोहब्बत हो गई। लागी कैसी लाग ये मन की, क्या जाने ये लोग, ना कह पाए ना सह पाए।